नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों मेरी क्रिसमस फिल्म के रिव्यू में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों श्री राम राघवन एक ऐसे फिल्म डायरेक्टर जो एक अलग तरह की फिल्में बनाने के लिए जाने जाते हैं। अभी पिछली फिल्म मैंने उनके अंधाधुन देखी थी, काफी जबरदस्त थी। आयुष्मान खुराना से बहुत अच्छा काम लिया था। तो यहाँ पर फिर से एक नई मूवी लेकर के आए हैं, जिसका नाम है मेरी क्रिसमस। दोस्तों एक फ्रेंच नॉवल उस पर आधारित ये मूवी है। लेकिन दोस्तों इस फिल्म की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये फिल्म आपको शुरू से लेकर के अंत तक एंगेज रखती है, टेंशन में रखती है। एक खूब सारे ट्रंस और ट्विस्ट है जो मतलब आपको ये लगता है कि यार ये कैसे हो गया, ये कैसे होगा, या ये हो सकता है क्या, ऐसे आपके दिमाग में लगातार चलता रहेगा। और जो क्लाइमैक्स है फिल्म का बहुत ही शॉकिंग है। फिल्म के जो अंतिम 30 मिनट है वो तो ये मान लीजिए कि आप जो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, जो आप उम्मीद नहीं कर रहे, वो चीज़ यहाँ पे, वो स्टोरी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। तो स्टोरी काफ़ी ग्रिपिंग है और जो फिल्म शुरू से लेकर के अंत तक जिस एक पेस से चलती है वो पेस आपका इंटरेस्ट बनाए रखता है। और इससे भी बड़ी बात दोस्तों ये है कि बीच में जो ट्रेंड्स और ट्विस्ट जो आपको एक सरप्राइजिंग पैकेट्स देखने को मिलते हैं वो आपको मतलब एक कई तरह से आपको एक टेंशन में भी डालते हैं और कई तरह से आपको मजा भी आता है। शॉकिंग एलिमेंट्स काफ़ी है फिल्म में। और जिस प्रकार का डायरेक्शन श्री राम राघवन का है तो लगता था उन्होंने ये डिसाइड कर लिया था कि सब कुछ मैं मतलब अंत तक छुपा के रखूंगा। मजा आता है कुल मिलाकर के फिल्म में। और गाने अच्छे हैं फिल्म के। और परफॉर्मेंस की बात करें, विजय सेतुपति कमाल के एक्टर है, बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस उन्होंने दी है यहाँ पर। और जहाँ तक कैटरीना कैफ की बात करें तो वे भी काफ़ी यहाँ पे ब्यूटीफुल लगी है, काफ़ी सुंदर लगी है। और उन्होंने अपना जो अभिनय है वो भी काफ़ी अच्छा किया है। और हिंदी वर्जन में जो संजय कपूर है उनका भी जबरदस्त काम यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा, उनकी भी एक्टिंग में दम है। तो कुल मिलाकर के एक ऐसी फिल्म बनाई गई है, एक ऐसा ड्रामा रचा गया है जो बिल्कुल आपको एक नया लगेगा। नया स्टोरी है, नया स्क्रीन प्ले है, और उसको जिस तरह से श्री राम राघवन के कहने का अंदाज है वो अपने आप में बेमिसाल है, और ये आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो कुल मिलाकर के ग्रिपिंग स्टोरी है, एक बार आप इस फिल्म को देख सकते हैं, आप बोरियत बिल्कुल महसूस नहीं करोगे, आपको मजा जरूर आएगा। तो इसको मैं रेटिंग दूंगा 3.5 स्टार आउट ऑफ 5। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय श्री राम, जय।